कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 7 ओम गण गणपति नमः। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप से बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष मांस, उदर, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, व्रत, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी चुगली या फिर निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान तथा चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचांग, बहुत थोड़े घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किए हुए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा किसी की चुगली, निंदा ये सब नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचार का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह के और माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, पष्टी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेल, त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण कर सकता है। यही विधान माह के व्रत के लिए है। देवोत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इनको विधि पूर्वक करने वाला मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाता है जैसे सिंह की गर्जन से हाथी भाग जाता हो। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे हजार की संख्या में किए जाने पर भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह यज्ञ करने वाला मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी बताते हैं कि उन्होंने कितने पुण्य कमाए हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है, पुत्र पौत्र यानी कि प्रदान करने वाला होता है और धन धान की भी वृद्धि करने वाला होता है। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।